बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट 99 पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमने बात की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और इससे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पे बात की थी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने डिराइव किया और अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये किसी किन किन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसकी बात करेंगे। याद रखना है कि किसी की जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। अब कैसे हमें पता चलेगा किसी से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, किसी भी टाइम हमने ये देखना हो कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, उस रिएक्शन ने फॉरवर्ड प्रोसीड होना है या बैकवर्ड प्रोसीड होना है, ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज कि केसी, आपने केसी को डिफाइन किया हुआ है कि इट इज रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आप प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो लोगे एट इक्विलिब्रियम, इस मेरे पॉइंट को समझिएगा कि जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इस तरह से कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो लेते हैं और किस टाइम इक्विलिब्रियम पे, तो उसको हम कहते हैं केसी। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमें ना बताओ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, हम किसी ऐसे टाइम में ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्यूसी। बात दोनों की सेम है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हमें स्पेसिफिकली पता हो कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे है, तो फिर अगर हम ये रेशियो लेंगे तो दैट विल बी नोन एज केसी। और अगर हमें ना बताओ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन कि वेदर दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम आर नॉट, तो जो प्रोडक्ट टू रिएक्टर रेशियो आएगी उसे हम कहते हैं क्यूसी। क्यूसी का मतलब है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। तो दैट माइट बी एट इक्विलिब्रियम, माइट नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है हो, और ये भी हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पे ना हो, दोनों चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बात पे कहते हैं कि अगर हमें ना पता हो कि यार ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो अनसर्टेनिटी के केस में जब आप प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो लोगे उसे कहा जाएगा क्यूसी। और हमें पता है कि ये जो केसी होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर ईच रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए किसी टाइम पे भी केसी की वैल्यू को जब आप क्यूसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, आप बता सकते हो कि वो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि आपको कैसे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, इसको याद रखिएगा ये क्या क्या चीज है। पहली पॉसिबिलिटी, इफ वैल्यू ऑफ क्यू सी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ केसी,
ये पहली बात कही जा रही है कि अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो, QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? QC की वैल्यू के ज्यादा होने का मतलब यह है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। और आपको ये बात पता है कि अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो तो रिएक्शन ने किधर जाना है? वापस जाना है, रिवर्स जाना है। और जब रिएक्शन रिवर्स आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां से क्लियर है कि हम क्या कहेंगे? देन रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां प्रोसीड होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ये पहली एप्लीकेशन किसी भी रिएक्शन के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। दूसरी बात, इफ वैल्यू ऑफ केसी सॉरी क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से स्मॉलर हो तो फिर क्या बात है? फिर देखो यहां पे कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो इसका मतलब है ये वैल्यू अगर कम आ रही है तो ये चीज ज्यादा है। और जब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो यहां से क्लियर कि हम कहते हैं कि देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। दैट्स द थिंग। क्लियर? ओके। नंबर थ्री पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ वैल्यू ऑफ क्यू सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ के सी, दैट्स ओके। अगर के सी की वैल्यू और क्यू सी की वैल्यू बराबर हो तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है और इसको हमने कह दिया कि दिस इज एट इक्विलिब्रियम। और ये वैल्यू अगर इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब है ये भी जो आपने ली है ये आपने कहां पे ली है? इक्विलिब्रियम पे ली है। तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पर होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, तो ये पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसी भी रिएक्शन की, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं खुद चाय पी के आता हूं। बस वंस अगेन वेलकम, द टी वाज फैंटास्टिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि पहले हमने डायरेक्शन पे बात की, रिएक्शन की डायरेक्शन पे हमने डिस्कशन की। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बी हम लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है, कितना प्रोसीड हुआ है, कितना प्रोसीड होगा। मतलब ये कि एट दैट टाइम इट्स वेरी कोल्ड नाउडेज। ओके, तो रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है, फॉरवर्ड कितना गया है,
या अभी करंटली फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है या बैकवर्ड ज्यादा प्रोसीड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? वैल्यू ऑफ केसी से। तो पहली पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कि याद रखिए, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो आपने पढ़ा है केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू के ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होता है? बैकवर्ड प्रोसीड होता है। इट्स मीन कि जो हमारा रिएक्शन है अब के बाद इसने किधर जाना है? बैकवर्ड जाना है, लेकिन अभी तक ये फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, देन रिएक्शन गोज फॉरवर्ड एप्रिशिएबली। मतलब इसका ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड हो रहा है केसी की वैल्यू के ज्यादा होने का। दूसरी बात, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल हो, बहुत कम वैल्यू हो, तो फिर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हम ये कहेंगे देन रिएक्शन गोज बैकवर्ड। अब इसका मतलब क्या है? इस बात को क्लियरली माइंड में बिठाना है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन अभी तक ज्यादा बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड कम प्रोसीड हो रहा है, बैकवर्ड ज्यादा प्रोसीड हो रहा है, तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी ये बी और ये सी, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर वेरी लार्ज नॉट वेरी स्मॉल। अगर वैल्यू ऑफ केसी मॉडरेट हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम पर होगा। रिएक्शन ने कहां पर होना है? इक्विलिब्रियम पर होना है। तो ये दूसरी हमें केसी से जो एप्लीकेशन मिलती है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन किस हद तक फॉरवर्ड जा रहा है, किस हद तक बैकवर्ड जा रहा है, या रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पर है। दैट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के एप्लीकेशन पर हमने आज बात क्लियर की। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और इस लेक्चर को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।